अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है कोरल मोशन स्टूडियो 3D में पार्ट 7 और इसमें है मोशन ऑब्जेक्ट। तो चले शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हसबी रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी की बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ 3D। अच्छा, सबसे पहले रूटीन के साथ डायमेंशन आप बढ़ा दें 720480। ओके। अच्छा, इस आज जो टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट। ये है टेक्स्ट इफेक्ट्स में और पहले नंबर पर है टेक्स्ट मोशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट टूल बार में एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, वेलकम। ठीक, वेलकम लिखने के बाद अब ये मैंने पहले इस टेक्स्ट इफेक्ट में और टेक्स्ट मोशन में, अब मैं सबसे पहले ड्रैग करके और इसी पर अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब ये पीछे से आकर यहाँ फ्रंट पर जूम हो चुके हैं। आप इसके साथ यहाँ एक जहाँ रोटेट नहीं बल्कि रिसाइज में जाकर और शिफ्ट के साथ यहाँ से माउस ड्रैग करके और छोटा कर दे, यहाँ से भी आप अपनी तरफ से इफेक्ट डाल सकते हैं। अब मैं देखो ज़रा, रिवर्स पे चला गया। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर है ये ऑटोमेटिकली अपना की फ्रेम सेलेक्ट कर लेते थे ये टाइमलाइन में। आपको ज़रूरत नहीं है टाइमलाइन में की फ्रेम लगाने की। अच्छा, ये दूसरा इफेक्ट हो। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब जो जो प्रेसेट आपको यहाँ नज़र आ रही है ये सारी वही आप इसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें 4-5-6 बल्कि 7-8-9-10 पड़े हुए। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके दूसरे नंबर पर है ब्लास्ट। अच्छा, पहले नंबर पर आप मैं इसको ड्रैग करके, अच्छा यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ओपन हो सकती है, आप यहाँ पर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखो, पहले वो डॉट डॉट की शक्ल में चले जाते हैं और फिर बाद में डॉट इकट्ठे होके एक टेक्स्ट बॉडी बना लेते हैं। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसके बाद ये पहले डिवाइडेड होते हैं, डिवाइड होने के बाद ये फिर प्लस में चले जाते हैं। आप YouTube इंट्रो भी यहाँ अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सारी मौजूद है। अब मैं एक दो ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि आगे भी मुझे वर्किंग करना होगा। ठीक, कंट्रोल जेड। अच्छा, इसमें ये सारे पड़े हुए तकरीबन। अब मैं चलो एक और ट्राई कर लेता हूँ। ये छोटे छोटे पर्ल शेप में वो डिवाइडेड होते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये सारे पड़े हुए आप अपने हिसाब से कर दे। इसके बाद है बम। बम में भी आपको जो है ना, मैं एक दो ट्राई कर लेता हूँ। ठीक। अच्छा, इसमें आप ये चेक कर ले ज़रा, ये जब आप इंट्री बनाओगे तो इसमें बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा, इसके बाद है डांस। डांस भी ये, अच्छा इसकी आप स्पीड वगैरह भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको जो है ना फुटबॉल की तरह लच। ठीक। अच्छा, इसके बाद डिस्टॉर्ट, ये डिस्टॉर्ट को मैं यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ।
ठीक अच्छा, इस डिसर्ट में आप ये भी प्ले कर सकते हैं, इसमें ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे। अच्छा इसमें मैं, अच्छा इसको प्रीव्यू करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया इसमें डिस्टॉर्ट में, अब इसमें है एक्सप्लोजन, ये सबसे बेहतरीन ये है, आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा इसमें ये पहले जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये एक्सप्लोजन में पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक। अच्छा इसके बाद मैं थोड़ा सा टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ, 90-150 में कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अच्छा आप इसी पर यहाँ बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट लिखाई की जो है ना ये टेक्स्ट, इसकी आप साइज कलर सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा इसकी बात है जंप, ये वही जंप व्यू सारे इफ़ेक्ट्स है, मिसाल के तौर पर मैं ये जंप यहाँ पर आपको ट्राई कर लेता हूँ। ठीक अच्छा मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अच्छा इसके बाद इस जंप में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, मोशन पाथ, इसके बाद है मोशन पाथ, ये थोड़ा सा मैं इसलिए मुख्तसर करता हूँ कि ये है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसी पर ट्राई कर लेता हूँ, ठीक कंट्रोल जेड, अब मैं एक और प्ले कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा इसमें ये तकरीबन 10-15 पड़े हुए, आप ट्राई कर दें। इसके बाद है पाथ एनिमेशन, ये जिस तरह प्लेग हिलता है ना, ये प्लेग की तरह बिल्कुल मूवमेंट करता है। अच्छा इसके बाद मैं एक और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक ज़बरदस्त। अच्छा मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसके बाद है सरफेस एनिमेशन, ये सरफेस ये भी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त। अच्छा इसकी बात है टेक्स्ट वेव, ठीक है इसमें भी तकरीबन 10-12 पड़े हुए, आप अपने हिसाब से ट्राई कर दें। इसके बाद है टोकन मूव, ठीक इसमें भी तकरीबन काफ़ी सारे पड़े हुए, आप अपने हिसाब से फिर चेक कर देना। और हर किसी के साथ यहाँ ये एट्रीब्यूशन पैनल में प्रॉपर्टी ओपन हो सकती है। इसके बाद है टोकन रोटेट, ठीक आप यहाँ पर काफ़ी सारे पड़े हुए, ठीक। इसके बाद है टोकन साइज, आप चाहें तो यहाँ पर सेंस में जाकर इसकी कलर बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो इमेज बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। चलो मैं बाकी इमेज बैकग्राउंड भी कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा इसके बाद है टोकन साइज हो गया, अब टोकन स्क्यू, ठीक। अच्छा इसके मैं थोड़ा सा इसमें मज़ीद देखता हूँ कि कौन कौन से, ये भी ज़बरदस्त। अच्छा इसके बाद है एक्सप्लोजन टू,
ٹھیک، اس میں یہ تقریباً بہت زیادہ پڑے ہوئے، لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا سا شارٹ کر لیتا ہوں. میں اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں سینس میں کلر بیک گراؤنڈ، اور میں کر لیتا ہوں یلو تاکہ آپ کو سمجھ آسانی سے آ سکے. ٹھیک، اب میں یہاں پر کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں. اب میں دوبارہ نام لکھ دیتا ہوں ویلکم. ٹھیک، اب یہ میں بند کر دیتا ہوں. اس کی بات ہے ٹوکن سیز ٹو ایکسپلوژن ٹو کیا ہیومن موشن. یہ دیکھو ہیومن موشن، یہ بھی بڑا زبردست ہے. جس طرح انسان قدم لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح یہ ہیومن موشن ہے. اس میں چار پانچ پڑے ہوئے. اس کے بعد ہے ٹوکن موو. اچھا جی، ریڈ آؤٹ لائن آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، یہ پھر ریکارڈنگ میں جس طرح نہیں ہوگا. یہ تو صرف یہاں پر یہ سلیکٹڈ ہے اس لیے یہ شو کر رہے ہیں. یہ صرف پریویو شو ہے، باقی ریکارڈنگ جب آپ اس کی مووی بنائیں گے یا ویڈیو تو اس میں یہ پھر نہیں ہوگا. اب میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں، ایک اور ٹرائی کر لیتا ہوں. زبردست، اس میں یہ بہت سارے پڑے ہوئے، آپ بعد میں چیک کر دینا. اچھا ٹوکن روٹیٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ میں ایک ٹرائی کر لیتا ہوں. زبردست، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے ٹوکن سائز. ٹھیک، اچھا ٹوکن اسکیو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا یہ تھا آج کا میرا ٹیوٹوریل، اس کا عنوان ہے ٹیکسٹ ایفیکٹس. انشاءاللہ آگے پھر نیکسٹ بات کروں گا کسٹم پر. یہ آگے کلاسز جو ہے نا یہ بہت زبردست ہے، یہ انتظار کر دینا، انشاءاللہ ایک دو روز میں یہ بھی آ جائے گا. یہ زبردست کلاسز ہوگا انشاءاللہ. امید ہے یہ ٹیوٹوریل آپ کو پسند آ چکا ہوگا. بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.